यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ संजय पारिक फ्रॉम कोहिनूर किड्स एकेडमी सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना। टुडे वी शैल रीड एक्सरसाइज 3.2 इन क्लास फिफ्थ मैथ्स। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। इन प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 वी रीड मल्टीप्लाई एंड इन दिस एक्सरसाइज वी शैल रीड डिवीजन। इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, और डिवाइड आपको फोर्थ क्लास में भी सिखाया गया था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है। इसमें आपके बहुत से पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको डिवाइड करना है 255 में 15 का, 255 डिवाइड बाय 15, 255 डिवाइड बाय 15, 15 का डिवाइड करना है। आप इस तरह का साइन बनाएंगे डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर डिविजर लिखा जाता है जो कि 15 है, यहाँ पे डिविडेंड लिखा जाता है जो कि 255 है। यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो क्वोशेंट आएगा, और जो नीचे बचेगा उसको रिमाइंडर कहेंगे। क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आपने फोर्थ क्लास में भी सीखा होगा। अभी हम इसको डिवाइड कैसे करें? सबसे पहले 2 में 15 का डिवाइड करें, लेकिन 15 यानी 2 में नहीं जाता है, तो हम 25 में करेंगे। 25 में 15 का डिवाइड, 15 एंड 15 2 जा 30, 2 टाइम्स ज़्यादा चला जाता है, इसलिए हम 15 लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1, 10 हमारे पास रिमाइंडर रहेगा। उसके बाद हम 5 को जो है यहाँ लाएंगे, और इस तरह ये 105 हो जाएगा। अब हम 105 में 15 का डिवाइड करेंगे, यानी 15 की टेबल जब तक बोलते रहेंगे जब तक कि 105 या उससे ऊपर नहीं जा पाए। ओके, 105 आ पाए सिर्फ, या उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 105 तक तो आ जाना चाहिए। तो 15 की टेबल सबको आती होगी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। हम देख सकते हैं कि 7 टाइम्स कंप्लीटली चला जाता है इसमें 15 7 जा 105, और माइनस करने पर आपके पास रिमाइंडर के रूप में 0 बचेगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वोशेंट कहलाता है, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, और ये रिमाइंडर कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास क्वोशेंट जो है वो 17 आ चुका है, और रिमाइंडर 0 आ चुका है, और ये फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो गया है। इस तरह की इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, और आप सभी इसी तरह कर सकते हैं। एक और समझाने की ट्राई करते हैं हम, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है 8th पार्ट है इसका। जिसके अंदर आपको डिवाइड करना है
847 में 18 का 847 डिवाइड बाय 18, 18 की टेबल भी आपको आती होगी अच्छी तरह। 18 की टेबल एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं, 18 1 जा 18, चलो लिख लेते हैं, लिखने पर सही रहेगा ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180। ये 18 की टेबल है। अब यदि हम डिवाइड करना चाहते हैं 18 का, जो कि डिवीजर है, 847 जो कि डिविडेंड कहलाता है, हम इसका क्वोशेंट यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए 18 की टेबल आपको तब तक बोलनी है जब तक कि 84 नहीं आ जाता या 84 को क्रॉस नहीं कर जाता, ठीक है। तो 18 की टेबल हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर 18 1 जा 18 आप देख रहे हैं, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। ये 90 आपको पता लग रहा होगा, ये क्रॉस कर गया है 84 से ऊपर चला गया है। इट मीन्स हम 90 नहीं लिख सकते क्योंकि 84 में हम 90 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हम ओनली 72 लिखेंगे। 18 4 जा 72, यहाँ पर आप माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 7 1, और फिर आप 7 को जो है यहाँ पुट कर सकते हैं, 127 हो चुका है। फिर से हम 18 की टेबल बोलेंगे जहाँ 127 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144। ये क्रॉस कर गया है इसलिए हमें 18 7 जा 126 लिखना चाहिए, 18 7 जा 126, 18 7 जा 126। फिर हम माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0, मीन्स ये ओनली 1 कहलाएगा रिमाइंडर, और ये क्वोशेंट है आपका, तो आप क्वोशेंट लिख सकते हैं 47, रिमाइंडर लिख सकते हैं 1, शुरुआत वाले 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखेंगे भी नहीं। ओके, तो हमारे पास ये दोनों डिवाइड आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। डिवाइड करने का ये मेथड आपने पहले भी देखा होगा, पहले आपके पास छोटे नंबर थे लेकिन अब आपके पास जैसे 2 डिजिट्स के नंबर आएंगे डिवाइड करने के लिए, 15 18, इससे पहले आप 1 डिजिट का डिवाइड करते होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पर डिवाइड, अब हम सेकेंड क्वेश्चन भी डिवाइड करेंगे लेकिन वो कौन से नंबर का होगा याद करो। 3.1 में भी तो आपने मल्टीप्लाई दो तरह की सीखेंगे थी, यस याद आ गया, इंडियन नंबर्स का, ओके, जिसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स भी कहते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स, ओके ओके यस। डिवाइड फॉलोइंग देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। समझ में आ गए होंगे आपको दोनों पार्ट, बाकी पार्ट्स आप सेल्फ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ओके यस। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, यस। सेकेंड क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स, देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स आपको आते भी हैं, आपने सीखे भी हैं,
डिवाइड द फॉलोइंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स, देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स में आपको जो है डिवाइड करना है। यहाँ पर भी फाइव पार्ट्स हैं और आपका फर्स्ट पार्ट है 684 में 19 का डिवाइड करना है, 684 में 19 का डिवाइड करना है। यह है देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स हैं 684 डिवाइड बाय 19। तो उससे पहले आपको जो है 19 की टेबल जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ताकि आपको ध्यान आ सके कि क्रॉस तो नहीं हो रहा है कोई टेबल। जैसे 19 की टेबल आपको लिखनी होगी, 68 से क्रॉस नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप 19 की टेबल लिख सकते हैं, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा 76। वैसे तो 76 क्रॉस हो गया है, यानी 3 टाइम्स जा रहा है हमारा। 19 थ्री जा 57, अब हम 57 को जो है माइनस करेंगे 68 में से, 8 माइनस 7 दैट इज 1, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 5 दैट इज आल्सो 1, एंड फिर हम 4 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 114। टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा 76, 19 फाइव जा 95, 19 सिक्स जा 114। यह 6 टाइम्स जा चुका है, यहाँ पर 6 टाइम्स लिख देंगे। वैसे टेबल आपको आगे भी आनी चाहिए थी, चलो आगे भी इसको बढ़ा देते हैं। 19 सेवन जा 133, 19 एट जा 152, 19 नाइन जा 171, 19 टेन जा 190। वेरी गुड, 19 की टेबल आपने देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स में लिख दी है। अब हम यहाँ पर 19 सिक्स जा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स जो है एक्यूरेट आ रहा है आपका 114। और रिमाइंडर में आप देख सकते हैं सभी जगह जीरो बच रहा है। ओके यस, दिस इज क्वोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। क्वोशेंट 36, रिमाइंडर 0। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स में। इसमें 4 पार्ट्स और हैं, वो आप कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं आप। तो हमें उम्मीद है शायद ये आपको समझ में आए होंगे डिवाइड दोनों मेथड्स में, हिंदू अरेबिक नंबर्स में भी और देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स में भी। ओके यस, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, यानी फर्स्ट के आपके 8 पार्ट्स बचे हैं, सेकंड में 5 पार्ट्स थे उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, इसके भी 4 पार्ट्स बचे हैं, ये आप सेल्फ कर सकते हैं। ओके, ट्राई कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलो हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं, और जो है आप अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन वर्क में कीजिए। ओके,
यस चलो थैंक्स।